एक्चुअली स्लग के पास तीन प्लेयर्स हैं। ओ, एआर की जो दिखाई दे रही है ना वो जीरो फिनिशर्स इनके पास में, लेकिन तीन प्लेयर्स ये गंवा चुके। लेकिन गॉड लाइक वर्सेस टीम नंबर 24 की फाइट से यहाँ पे शुरू। टीम 24 के प्लेयर्स को अगर आप देखोगे, उन्होंने गॉड लाइक के क्या एक भी प्लेयर को यहाँ पे डाउन एंड फिनिश ऑफ किया? नहीं, चार फिनिशर्स यहाँ पे गॉड लाइक ने एक टीम का निकाल दिया। किल फील्ड में अगर आपको पता चले तो आप प्लीज मेरे को बताएगा। लेकिन आप यहाँ पे स्लेन उप, चलिए जी गॉड की तरफ से डाउन किए जाएंगे। जितने भी लोग सवाल पे सवाल उठा रहे थे, जवाब यहाँ पे दिया जा रहा है। और दूसरी ओर आशुतोष की तरफ से रैक्स वहां पे डाउन किए गए। एलिमिनेशन कंफर्म। जी गॉड अब धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बाकी के दो प्लेयर्स के ऊपर स्लैम डाला जा सकता है और घोरी के साथ में भी एक 1v1 की फाइट्स हो। लेकिन संतरा ने चलिए डीबीएस के प्रहार से उनको भी डाउन कर दिया। और अब राइट साइड में एक आखिरी एंड लास्ट प्लेयर। और क्या बैक टू बैक दो मैचेस में चिकन डिनर आ रहा है? पहला मैच तो आप सभी ने देखा, दूसरा मैच संतरा ने एलिमिनेट किया वहां पे रॉन इनको, एंड पूरी की पूरी टीम वहां पे एलिमिनेट हो चुकी है गॉडेक्स की। माना नहीं बच पाएंगे, बहुत मुश्किल है यहाँ पे तो पहुंच चुके। और आप राइट साइड से गॉड लाइक के प्लेयर्स यहाँ पे एक संस्कारी डाउन, माना की जैसे सेम पोजीशन हमें दिखाई दे सकते हैं। आशुतोष की तरफ से स्मोक से यहाँ पे किए जाएंगे, जिसे रिवाइवल वहां पे दिया जा सके या फिर व्हीकल में बिठा के फाइनली उसको जोन के अंदर लेके आया जा सके। लेकिन संतरा ने क्या नॉक यहाँ पे निकाला है, एंड दस फिनिशर्स गॉड लाइक अपने खाते में दर्ज कर चुकी है। फाइट्स यहाँ पे हो सकती है, क्या जेलिक्स वहां पे एलिमिनेट होने वाले या फिर जो डेसल है वो चलती एलिमिनेशन की राह पकड़ेंगे। लेकिन अब आइकोसोल वर्सेस टीम मिसफिट, स्काउट की टीम की फाइट्स यहाँ पे शुरू। मॉली एंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है दोनों की तरफ से, थोड़ा सा डैमेज किया उठे स्काउट ने, थोड़ा सा डैमेज किया। अगेन पीछे हटने की कोशिश की जाएगी। जेलिक्स को देखोगे वो अकेला प्लेयर यहाँ पे बचे हुए, डेजल वहाँ पे डाउन है। संतरा यहाँ से हटने का नाम ही ले रहे, हिलने का नाम ही ले, नहीं हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप आइए एलिमिनेशन हमारे कंफर्म कीजिए, हम कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा है दर्ज करके आगे बढ़ने वाले। दूसरी ओर जो आइकोसोल है वो अलग से मिसफिट के प्लेयर्स के ऊपर प्रहार कर रही है। दो डाउन जरूर हुए, स्काउट ने वहां पे स्किप्स को डाउन कर दिया है, एंड स्काउट के अकेला प्लेयर वहां पे लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप नोटिस करोगे वो अकेला प्लेयर टीम आइकोसोल के साथ लड़ रहा है, और आ रहा है स्काउट का भी कमबैक आ रहा है। और देखो फिनिशर्स भी कंफर्म कर रही है। बहुत बढ़िया स्काउट, फ्रिज मान मान रहा चौथ सबको। राइट वाला भी उसका टीम है, जोन लिया है, हील करो, फर्स्ट मार। सारे प्लेयर्स एलिमिनेट हो चुके हैं। टीम गॉट लाइक शायद इस मैच में चिकन डिनर लेके जाने वाली है। जो है सामने प्लेयर है टीम 22 के, वो थोड़े से डैमेज जरूर किए जाएंगे। लेकिन दूसरे ही पल आशुतोष को यहाँ पे डैमेज किया गया, नॉकडाउन किए जा चुके हैं, एंड राइट एंड लेफ्ट साइड हर्ट चुका से टीम्स यहाँ पे। फाइट लेना जरूरी नहीं, पैनिक नहीं हो रहा, ये अच्छा लग रहा है मेरे को जी गॉट के गेम से। लेकिन अब संतरा को एक नॉकडाउन निकालना पड़ेगा। ओ ओ ओ एंड डॉट एचपी हो चुके हैं, जो भी प्लेयर यहाँ से निकलना चाहता था अमित संतरा ने डाउन किया। एलिमिनेशन कन्फर्म, उनके ऊपर संस्कार का ध्यान है गॉट लाइक के, घेरा जा रहा है, कुछ करने की कोशिश करी। एक एक करके प्लेयर्स यहाँ पे फिनिशर्स निकाले, 14 फिनिशर्स निकाल चुके, कोई दिक्कत की बात नहीं। सी गॉड की तरफ से वहां पे मेडल के एक प्लेयर को डाउन किया गया, एलिमिनेशंस वहां पे कंफर्म। स्काउट की तरफ से देख लीजिए रिवर्स एक्स को भी वहां पे फिनिश ऑफ किया गया, टीम 21 भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी पूरी की पूरी तरीके से इस मैच से बाहर। और अब लॉविश की तरफ से वहां पे सी गॉड को डाउन जरूर किया गया, लेकिन आराम से रिवाइवल दिया जा सकता है क्योंकि 29 सेकंड्स का वक्त यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद कहना कि आपको एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। संतरा की बात करूं 6 फिनिशर्स निकाल के उनका एलिमिनेशन समय देखने को मिल चुका है, तो फटाफट से यहाँ पे रिवाइवल देना पड़ेगा, फटाफट से वहां पे पुश करना पड़ेगा। साहिल नॉन एक्स के प्लेयर्स को भी डाउन कर रहे हैं, एंड स्काउट को देख लीजिए वो बैक एंड से टर्बन को डाउन करेंगे। एलिमिनेशन वहां पे कंफर्म, एंड उसको दिक्कतें दे रहा। और ये देख लीजिए वो अंदर घुसना चाहते थे, सी गॉड की तरफ से उनको भी डाउन किया गया। साहिल ने वहां पे रश बॉय को फिनिश ऑफ किया, और अब स्काउट घुसने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हमें लास्ट में गॉड लाइक वर्सेस स्काउट की फाइट से हमें देखने को मिल सकती है? लेकिन नहीं, दूर दराज से संस्कारी का वो प्रहार स्काउट झेल नहीं पाए, बहुत ज्यादा ओपन में एक्सपोज्ड थे। शायद एकमात्र प्लेयर है, अगर आप नोटिस करोगे साहिल अकेले प्लेयर बचे हुए टीम नंबर 9 से, एंड लॉविश नॉन एक्स के एक आखिरी प्लेयर। 3v1v1 की फाइट इन तीनों टीम्स के बीच में, क्या लगता है? ओह क्या बात है, साहिल का वो ग्रेनेड, जी गॉड यहाँ पे डाउन जरूर हुआ है। साहिल थोड़े से डैमेज, और संस्कारी के वो मॉली से एलिमिनेशन यहाँ पे कहीं ना कहीं हो चुका है उनको। और अब 18 फिनिशर्स तो नहीं कह सकते, अगर लॉविश वहाँ पे एलिमिनेट हुए जोन से तो अलग बात रहने वाली है, लेकिन 17 फिनिशर्स कंफर्म है कि गॉड लाइक दो मैचेस में बैक टू बैक चिकन डिनर लेके जाने वाले। फर्स्ट इरेंगल, एंड फाइनली
संस्कारी ने फिनिश ऑफ किया ना लॉविश को वहां पे नॉन एक्स के जो आखिरी बचे हुए थे एंड विनर भी हो चुके डिनर और स्लॉट नंबर 21 के प्लेयर्स भी यहां पे आ चुके हैं एंड मुझे तो लग रहा है कि ये फाइट को दोनों टीम से गॉड एंड लोल्स के प्लेयर्स यहां पे वन साइडेड जीत के जा सकते हैं। संचित ने एक नॉक निकाला एलिमिनेशन आखिरी वो लास्ट प्लेयर वो भी एलिमिनेट हो चुके हैं एंड ये थर्ड पार्टी जो था ना वो कहीं अगेन टीम नंबर 23 को इस मैच से बाहर भेजता हुआ दिखाई दे रहा है एंड चार फिनिशर्स गॉड लाइक ने निकाल लिया और गॉड लाइक वर्सेस गॉड एंड लोल्स की टीम की फाइट से यहां पे शुरू। मुदीट डाउन है स्वॉट क्रशर वो आखिरी वो लास्ट प्लेयर जो कि आशुतोष की तरफ से व्हीकल से कुछ ले जाएंगे एंड पूरी की पूरी टीम गॉड लोल्स की भी यहां पे इस मैच से बाहर जा चुका और सिर्फ चार टीम्स एंड 11 रिमेनिंग प्लेयर है डाउन है उसका एलिमिनेशन भी हमें देखने को मिल जाएगा लेकिन जी गॉड अपने तीन प्लेयर्स के साथ ये टीम सर्वाइव करे जी गॉड टाउन है अब तक एलिमिनेशन हुए नहीं और दो टीम्स की तरफ से जब सैंडविच यहाँ पे हो रहा है सहनशाह के प्लेयर का तो जाए कहाँ लेफ्ट साइड में जाएंगे गॉड लाइक है राइट साइड में जाएंगे टीम मिसफिट बैठी हुई है दोनों ही टीम्स के पास नंबर ऑफ प्लेयर्स यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे दिखाई दे रहे चूंकि फाइट्स यहाँ पे ले सकते और यहाँ पे डाउन होंगे शहनशाह की तरफ से और एट लास्ट देख लीजिए स्प्रे गॉड का वो क्या बेहतरीन स्प्रे एलिमिनेट करेगा उस आखिरी प्लेयर को जो कि मिसफिट किया था एंड पूरी की पूरी स्काउट की टीम फिनिश ऑफ एआर के राल्फ एंड प्रो भी अब एलिमिनेट हो चुके जोन की वजह से आई थिंक सो और अब नहीं एक प्लेयर वहां पे बचा हुआ है एक प्लेयर बचा हुआ है अभी के लिए देख लीजिए एआर के एक प्लेयर वहां पे अलाइव दिखाई दे रहे हैं। रीडॉन की बात करना चाहता हूँ चलिए एक आखिरी लास्ट प्लेयर गॉटलाइक के सामने व्हीकल से कुछ ला जाएगा सेल्फ रिवाइव तो कर नहीं सकते पॉइंट्स यहाँ पे आपके कटेंगे और मुझे लगता है कि आप सेल्फ रिवाइव करने वाले और गॉटलाइक जैसे कि मैंने कहा था चिकन आ रहा है एंड प्रो एक आखिरी एंड लास्ट प्लेयर प्रो का भी नॉक हमें था देखने को मिला था मुझे बता दीजिए अगर ऐसा कुछ हुआ है कि क्या सेल्फ रिवाइव वगैरह तो नहीं कहना है इन्होंने और गॉड लाइक ने तो पुश करके भाई कहानी खत्म कर दी इस टीम की और फाइनली फर्स्ट मैच में टीम गॉड लाइक ने झंडे गाड़ दिए अपने क्या लगता है ओ गॉड लाइक एक प्लेयर डाउन हुए एलिमिनेशन वहां पर कंफर्म आशुतोष का फिलहाल के लिए इंतजार आपको करना पड़ेगा एनजी गॉड को देख लीजिए एक नॉक निकालने की कोशिश एक नॉक जरूर निकाला दूसरा प्लेयर भी यहाँ पे नॉक डाउन तीसरा भी डाउन हो सकता है प्राइजिंग ड्राइवर्स का एनजी गॉड जवाब दे दिए और बार बार जवाब दे रहे और कब आपके कानों तक वो आवाज पहुंचेगी कि जी गॉड का कमबैक आ रहा है और सीरियसली कह रहा हूं मैं बहुत बेहतरीन तीन प्लेयर्स यहाँ पे डाउन प्राइजिंग ड्राइवर्स के और एक 1v1 की फाइट सैम के सामने और फर्स्ट एड्स नहीं है क्या करे ये बेचारा ग्रेनेड्स यहाँ पे इस्तेमाल किए जा रहे सैम तो समाप्त करेंगे वो तुरंत डाउन करने के बाद ओह फिस्ट किया जा रहा है और ये देख लीजिए ये गलती थी थोड़ी सी जी गॉड यहाँ पे डाउन हो चुके संस्कारी वो आखिरी वो लास्ट प्लेयर अब एक 1v1 की फाइट यहाँ पे लेनी पड़ेगी राइट साइड में टीम 13 के भी प्लेयर्स यहाँ पे आ चुके और एक सैंडविच की सिचुएशन सैम के लिए यहाँ पे बनी और सैम ने अगर फिनिश ऑफ कर दिया तो कहना पड़ेगा कि भाई उस प्लेयर ने भी गॉड लाइक को एलिमिनेट किया एंड फाइट पैक बहुत बेहतरीन तरीके से किया अब वो मॉली का इस्तेमाल किया संस्कारी ने जिसकी वजह से वो प्लेयर जो है बाहर नहीं निकल सकता रीस गॉड यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख लीजिए वो ग्रेनेड पुल करके बैठ चुके और प्रहार किया जा रहा है वो एक सेकंड का वक्त बचा हुआ था रिवाइवल हुआ संस्कारी ने प्रहार किया एंड फाइनली सैम को समाप्त करके अपराइजिंग राइवल्स को इस मैच से लॉबी की राह दिखा दी जा चुकी है लेकिन अब टीम 13 यहाँ पे पहुंच चुकी है एक प्लेयर वहां पे सी गॉड अभी भी बचे हुए जरूरी संस्कारी फर्स्ट एड्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे लेकिन टीम 13 के पास रीजन है कि वो पुश करे उनके प्लेयर्स डैमेज है बट वो नॉक नहीं है एंड चूसेगा वो आगे आ चुके हैं ओ हो आगे गए ब्लाइंडली पूछता है कुछ नहीं कह सकते इस पुश के बारे में लेकिन अब सी गॉड एक आखिरी एंड लास्ट प्लेयर PCA फर्स्ट से एलिमिनेट हुए एंड अपराइजिंग राइवल्स पहले एलिमिनेट हुई एंड देन यहां पे